अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इन माय प्रीवियस वीडियोस ऑफ दिस स्केचिंग ट्यूटोरियल आई टोल्ड अबाउट द बेसिक मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द स्केचिंग एंड डिफरेंट पेंसिल शेडिंग टेक्निक्स। इफ़ यू वांट टू लर्न देम देन द लिंक ऑफ दीज वीडियोस आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट द ग्रिड एंड द ग्राफिक मेथड्स ऑफ द स्केचिंग आउटलाइन ऑफ द ड्राइंग। तो ग्रिडिंग मेथड से और जो स्केचिंग है वो काफ़ी आसान होती है, स्पेशली फॉर द बिगनर्स, बिकॉज उनके लिए एक प्रॉपर लाइनिंग करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ग्रिडिंग मेथड से ही बहुत आसान हो जाती है। तो ग्रिडिंग मेथड में हमने सबसे पहले क्या करना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ये फ़ोटोग्राफ ले ली है जिसको मैंने स्केच करना है। आई विल मेक अ ग्रिड ऑन इट और अ ग्राफ। ग्रिड कैसे बनाया जाता है कि 1 सेंटीमीटर से एक लॉन्ग स्केल आपने ले लेना है पेज के साइज़ का। देन आई विल शो यू हेयर, इट्स 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 1 इंच के डिफरेंस से मैं इस पे लाइंस लगाऊंगी। ग्रिडिंग के लिए आप कोई सी भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं हार्ड कॉपी पे लगाने के लिए। 4, 5, 6, 7 एंड इट्स 8। सिमिलरली नीचे बेस पे भी, ताकि स्ट्रेट लाइन आए। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो रैंडमली लाइंस लगाएंगे तो आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं आएगी, लाइन आपकी आउट ऑफ ओके। Now I will make lines on the different side. चारों साइड्स पे आपने इस तरह से ग्रेडिंग के लिए 1 1 इंचेस के डिफरेंस से लाइन लगा लेनी है। Here we go. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Right. Then हमने इन लाइन्स को आपस में मिला देना है। ये आप देख रहे हैं कि एक निशान यहाँ आया था, एक निशान यहाँ आया है। स्ट्रेट लाइन लगानी है इनके ऊपर से, ओवरलैप करना है। 1 Here is the second line. ऐसे आपने सारी लाइंस को आपस में ज्वाइन कर लेना है। मेक श्योर कि कोई भी लाइन आपकी आगे पीछे ना हो। यहाँ मुझे नहीं नज़र आ रहा था तो मैं इसको रीचेक कर लेती हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे, राइट, थोड़ी सी आउट ऑफ लाइन हो गई है। ओके, अगर इस पे ओवरलैपिंग हो जाती है, डबल लाइंस आ जाती हैं तो कोई इशू नहीं है, कि बिकॉज ये हमारी रफ़ और हार्ड लाइन्स है, जो रफ़ हमारा वर्क है उसके लिए हार्ड कॉपी, राइट। इसे मैंने वर्टिकल कर लिया, मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस इसकी ज्वाइन करूँगी। अगर ये नीचे तक स्केल नहीं जा रहा तो बीच में मैं इसके एक और 8 8 सेंटीमीटर, 1 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से लाइंस लगा लूँगी, ताकि मेरी जो लाइन बने वो स्ट्रेट बने और जो बॉक्सेस हों वो मेरे सारे इक्वल डिस्टेंसेस पे 1 1 सेंटीमीटर के ही बने। ओके, सो
ओके, ये ग्रिड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे नंबरिंग देनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिमिलरली एक मैंने जो है वो ग्राफ अपने स्केच बुक पे भी बना लिया है। स्केच बुक पे भी मैंने इसी तरह इसके से एक एक सेंटीमीटर के एक एक इंची सॉरी एक एक इंचीज़ के डिस्टेंस पे बॉक्सेस स्क्वायर बना लिए हैं जो मैंने स्क्वायर्स इस पे बनाया है। इसी तरह इस पे भी मैंने नंबरिंग कर ली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नाउ हमने करना क्या है कि ये देखना है कि ये कौन से बॉक्स में और कौन सी लाइन में आ रही है। इट्स नंबर 3 एंड फ्रॉम हेयर इट्स नंबर 7 और स्टार्टिंग जो इसकी हो रही है वो नंबर 6 से हो रही है। सिमिलरली हम नंबर 3 और नंबर 6 पे इसको ड्रॉ नंबरिंग आप इस पे साइड से करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके। नंबर 3 एंड नंबर 8 तक ये एक्सटेंड होके जाएगी। तो इन पॉइंट्स को हमने गौर से देखना है, ताकि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3 में स्टार्ट हो रही है बिल्कुल इसकी टिप से और हेयर इट कम्स। यहाँ पे हमने इसके डॉट्स लगा लेने हैं कि हमने इसको कहाँ तक ड्रॉ करना है एंड वी विल ड्रॉ इट। सॉरी मैं स्केचिंग पेंसिल यूज़ कर लूँ, इट्स 4B आपको शो करने के लिए मैं थोड़ी डार्क पेंसिल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वीडियो में प्रॉपर लाइट पेंसिल का शेड नज़र नहीं आता। आई एम यूजिंग 4B, इफ़ यू वांट इससे लाइटर पेंसिल भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, देन इसकी जो आई है वो 7 के अंदर एंड 3 में आ रही है, मिड में, ऑलमोस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द मिड। मैं यहाँ पर एक निशान लगा के ऐसे सर्कल इसका ड्रॉ कर लूँगी। ओके एंड इट्स आई फ्रॉम हेयर लाइक दिस। ऑलराइट एंड इट्स आई बॉल ग्राफ पे हमने जस्ट जो है उसकी आउटलाइन ड्रॉ करनी होती है। जो शेडिंग टेक्निक्स होती हैं वो हमने ग्राफ को रिमूव करने के बाद या इसके जो ग्रिड है उसको रिमूव करने के बाद शेडिंग्स को अप्लाई करते हैं। ओके, हियर वी गो। नोज जो है वो इसकी 5 में और इधर से 6 में आ रहा है, 5 एंड 6 देन 6 एंड 5 नोज के भी इसी तरीके से हम निशान लगा लेंगे एंड विल ड्रॉ इट लाइक दिस। पेंसिल को जब ड्रॉ कर रहे होते हैं आउटलाइन बहुत लाइट रखते हैं कि अगर कोई रिमूविंग करनी हो तो आपके लिए इजी हो जाए बाद में उसकी हार्ड लाइंस जो हैं वो कोई शुक्रिया इतना करें। इसकी नोज़ जो है वो इसकी 5th में आ गई है, जो इसकी नोज़ की मिड की टिप है उसको मैं 5th और दोनों तरफ से 5th में है, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी। राइट, ऐसे एंड दिस स्टार्ट फ्रॉम 4th गो। ये इसकी नोज की आउटलाइन कंप्लीट हो गई। नाउ आई विल ड्रॉ सेकंड आई, इट्स 3 एंड 4 इट्स 4 एंड 3 राइट। इसको ड्रॉ करेंगे लेवल जो है वो आइस का वो सेम होना चाहिए और सेम साइज़ की होनी चाहिए। इसके लिए मैं एक रफ सी लाइट सी लाइन ड्रॉ कर लूँगी
ताकि वो सेम लेवल पे रहें. अच्छा राइट, थ्री एंड फोर, फोर एंड थ्री. फ्रॉम हियर इट्स एंडिंग इन द टिप. नाउ आई विल ड्रॉ अपर लिड. All right. Here I am ending it up. Eyeball. थोड़ा सा जितना डिफरेंस है हम यहाँ से उतना ही रखेंगे. इसका iris draw करेंगे. Lid. It is ending here. Okay, मैंने इसकी outline भी draw कर ली है. Face cut जो है इसका. Lips जब draw करने हैं तो lips इसके 5 और 7 में आ रहे हैं. 5 और 7. Here 5 and 7. 5. मैं इसकी आउटलाइन जो है वो डार्क ड्रॉ कर रही हूँ ताकि वीडियो में शो हो प्रॉपर. ओके, ये लिप की जो इसकी डार्क साइड है. आई एम ड्रॉइंग इट्स लोअर लिप. थोड़ा सा कर्व देंगे और जो टॉप है इसकी मिड से थोड़ा सा नीचे तक आ रही है. यहाँ तक हमें ड्रॉ करनी है. ओके, यहाँ से हम इसको कर्व कर लेंगे. देन इट्स द डार्क साइड एंड देन इट्स अपर लिप. लिप्स की जो टिप होती है ये वाला पोर्शन ये नोज के बिल्कुल नीचे होता है, तो इसको हमने नोज के लेवल पे ही रखना है. राइट, ये देखें आप बिल्कुल नोज के लेवल पे आ रही है. ओके, हियर आई कंप्लीटेड माय आउटलाइन. अब मैं इसको जो ग्राफ है उसको हमने रिमूव करना है. ओके, रेस कर लेंगे ग्राफ इसका एंड देन इसको शेड करेंगे. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई विल शो द कम्प्लीट शेडिंग ऑफ दिस इन माई नेक्स्ट वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.